हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो हेयर केयर वीडियो होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कमाल का हेयर टूलर बोल सकते हैं आप, या फिर आप कोई हेयर पैक बोल सकते हैं इसको, जो कि आपके बालों के लिए कमाल का काम करने वाला है। आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से जो ये हेयर स्प्रे या हेयर टूनर है आपको निजात दिला देगा। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो रही है हेयर फॉल की, अगर आपकी हेयर फॉल हो रहा है, अगर आप इस कमाल की रेमेडी को यूज करेंगे तो आपका हेयर फॉल 100% रुक जाएगा। सेकंड, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की एज से पहले अगर आपके बाल व्हाइट होना स्टार्ट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो व्हाइट ना हो, वो रुक जाए, हमारे बाल ब्लैक ही रहे, तो ये जो रेमेडी है ना, ये आपकी प्री मैच्योर ग्रे हेयर को होने से रोकेगी। और अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज करते रहेंगे तो आपके जो बाल व्हाइट हो चुके हैं उसको भी ये ब्लैक कर देगी। थर्ड, अगर आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं हो रही है किसी भी कारण से, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी बहुत ही अच्छे से प्रमोट करेगा। आपके बालों को इतना सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बना देगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो ये रेमेडी है आपकी सारी बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने वाली है, बिल्कुल नेचुरल है। आप इसको टू डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है वो मैं आपके साथ लास्ट में वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस कमाल की रेमेडी को प्रिपेयर करते हैं। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको लेने हैं यहाँ पर फ्रेश आंवले। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 फ्रेश आंवले जो अभी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वॉश करके इसको हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। जितना विटामिन सी 1 ग्लास ऑरेंज के जूस में होता है उतना ही 1 आंवले में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। और विटामिन सी हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है जिंजर अदरक। तो इस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में जिंजर को यूज़ नहीं करना है। हमें केवल 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, इसको वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको आपको छील कर इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे से काम करता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर होते हैं उसको रोक रहा है और डैंड्रफ को बहुत अच्छे से दूर करता है, हमारे स्कैल्प को क्लीन बहुत अच्छे से करता है, कोई इन्फेक्शन उसको दूर अच्छे से करता है स्कैल्प पर। तो बहुत ही अच्छा है अदरक हमारे बालों के, लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं वो भी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कमाल का काम करता है अगर आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो रहे हैं, तो वो है करी पत्ता। इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। तो मैंने 1 कप करी पत्ता यहाँ पर यूज़ किया है। आप ड्राई करी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश करी पत्ता भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे मेन इंग्रेडिएंट आ चुके हैं, तीनों बहुत ही पावरफुल है हमारे बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए और साथ ही साथ हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। तो उसके बाद आपको लेना है मिक्सी जार और इन सारे इंग्रेडिएंट को उसमें ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि हमें इसका एक जूस एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें इसको एक पेस्ट फॉर्म की कंसिस्टेंसी में बना के तैयार करना है। आपको पानी ऐड नहीं करना है, आंवले में ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, तो हमारा जो पेस्ट बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका जो पेस्ट है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा है, नहीं पिस रहा है, तो आप थोड़ा सा एकदम 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जो पेस्ट को ग्राइंड किया है एकदम बिना पानी के किया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में हमारा जो पेस्ट है बनकर तैयार हो गया, एकदम स्मूथ पेस्ट है, क्योंकि जो आंवले हैं उसमें अभी ऑलरेडी बहुत पानी रहता है तो वो अपना पानी रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 बाउल और 1 लिया छलनी। आप छलनी की जगह पे कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, सॉफ्ट सा कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं या फिर कोई साटन का कपड़ा ले सकते हैं, जिससे जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट हो सके। तो ऐसे तो जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, स्पून की हेल्प से प्रेस करते हुए सारे जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आप किसी सॉफ्ट क्लॉथ से, साटन क्लॉथ से भी जो जूस है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो ये हमारा जूस निकल के तैयार हो गया, अभी थोड़ा सा बचा है, तो मैं इसको अच्छे से प्रेस कर करके इसका जो सारा जूस है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। अगर आपको लगे जूस एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अगर लगे कि बहुत सारा पल्प में जो जूस है हमारा बचा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके 1 से 2 चम्मच आप इस जो हमारा पेस्ट बनकर तैयार है उसमें मिक्स करके
सारे जूस को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से करके हमारा सारा जो जूस है वो निकल के आ चुका है। अभी जो हमारा जो टोनर है वो बन के तैयार नहीं हुआ है। वैसे जो ये है ये भी बहुत ही पावरफुल स्प्रे, पावरफुल टोनर बन के तैयार हुआ है, लेकिन इसको और पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ राइस का 1 स्पून। मैं यहाँ पे राइस यूज़ करने वाली हूँ, वाइट वाले राइस। ये क्या करेगा, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, सॉफ्ट भी बनाता है और हमारे हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है फेनुग्रीक पाउडर, मेथी दाना पाउडर। अगर आपके पास मेथी दाना है, पाउडर नहीं है, तो आप यहाँ पर मेथी दाने की 1 स्पून यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ पाउडर और मेथी दाना एक सा काम करता है, तो जो अवेलेबल हुआ वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 1 स्पून फेनुग्रीक सीड्स पाउडर। मेरे पास पाउडर अवेलेबल है इसलिए मैं यहाँ पर पाउडर ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर मेथी दाना क्या करने वाला है, आपके बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर को भी आगे होने से रोकेगा। तो आप इन दोनों इंग्रेडिएंट को ज़रूर ऐड कीजिए, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है। अगर आपने फेनुग्रीक सीड्स ऐड की हैं तो आपको मिक्स करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मिक्स करके आपको इसको 2 से 3 घंटे तक रखना है, जिससे जितनी भी गुडनेस है यहाँ पर राइस की, फेनुग्रीक सीड्स की, वो सारी इस पानी में आ जाए। तो अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे रख सकते हैं। तो मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही कवर करके रखा था और 3 से 4 घंटे बाद आप देख सकते हैं सारा जो गुडनेस थी पाउडर की, फेनुग्रीक पाउडर की, चावल की, वो सारी इस पानी में आ चुकी है। कुछ इस कंसिस्टेंसी का जो हमारा पेस्ट है बन के तैयार हो गया, जो राइस एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे बीच में, हमें यही चाहिए था कि हमारे जो राइस है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा, जितनी भी गुडनेस है वो सारी इस पानी में आ जाएगी। तो ये कमाल का, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो आपका पेस्ट है वो थोड़ा थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो क्या करें, आप 2 चम्मच यहाँ पर गुनगुना पानी इसमें ऐड कर लें और उसके बाद मिक्स कर लें, तो एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमको लेना है एक बाउल और एक स्ट्रेनर। अगेन हमें इसको छानना है, जिससे जो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं राइस के या फेनुग्रीक सीड्स के, वो सारे सेपरेट हो जाए और हमारे स्मूथ पेस्ट बोल सकते हैं आप, जेल बोल सकते हैं आप, पेस्ट तो नहीं सही रहेगा, आप जेल बोल सकते हैं, टोनर बोल सकते हैं, वो हमारा एक सेपरेट होके आ जाए। क्योंकि हम इसी टोनर को अपने बालों में अप्लाई करने वाले हैं, तो आप स्पून की हेल्प से इसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप सेपरेट कर लीजिए सारे जेल को। तो कुछ इस कंसिस्टेंसी में जो हमारा जेल है वो निकल के तैयार हो गया, एकदम स्मूथ है कंसिस्टेंसी, देख सकते हैं कोई भी फाइबर नहीं है, कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं बचे हैं इसमें, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो बहुत ही स्मूथ हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है और बहुत ही पावरफुल है ये जो ये जेल बन के तैयार हुआ है। अब यूज़ कैसे करना है, आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आपको लेना है कोई स्प्रे बोतल और जो टोनर निकल के हमने तैयार किया है या जेल बोल सकते हैं आप, उसको इस स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र कर लेना है और ये हमारा कमाल का हेयर टोनर बन के तैयार हो गया है। आप इसको एक डिफरेंट तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर। तो आपने देखा कि कमाल की रेमेडी हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं इसमें और सारे नेचुरल हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक तो एज ए हेयर टोनर यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी स्प्रे वोटर में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा थिक लगे तो थोड़ा सा इसमें ल्यूक वार्म वाटर ऐड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे अच्छे से स्प्रे हो जाए हमारे बालों पर। उसके बाद आपको अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है, सुलझा लेना है और इस स्प्रे बोतल से अपने बालों पे इसको अप्लाई करना है। रूट्स पे पहले अप्लाई कीजिए, मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारा जो ये टोनर है हमारी रूट्स पे अप्लाई हो जाए। उसके बाद अगर आपका टोनर बच जाता है तो आप हेयर लेंथ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका पहला तरीका कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। सेकेंड, जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे तो जो हमारी जो कंसिस्टेंसी आएगी इसकी थोड़ी थिक आएगी, मतलब पेस्ट फॉर्म की कंसिस्टेंसी आएगी, पेस्ट भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी थिक फॉर्म में कंसिस्टेंसी आएगी, वो लिक्विड नहीं होगी, थोड़ा लिक्विड से थोड़ा थिक होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई कॉटन पैड या कॉटन बॉल लेके, जो हमारा ये कमाल की रेमेडी बनके तैयार हुई है, स्ट्रेन किया है इसको हमने, उसमें आपको इसको डिप करना है अच्छे से। उसके बाद आपको अपने रूट्स में इसको अप्लाई कर लेना है, आप अपने बालों में पार्टीशन कर करके इसको अपने रूट्स में अप्लाई कर लीजिए। जैसे हम कोई ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में,
उस तरीके से आपको कॉटन बॉल की हेल्प से इस रेमेडी को अपने स्कैल्प पे हेयर रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है। रूट्स पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा हेयर फॉल होता है, हमारी जो प्रीमेच्योर हेयर की ग्रोथ होती है, या फिर अगर आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, वो हमारे रूट्स से ही होना स्टार्ट होती है। तो आपको इसको रूट्स पे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूट्स पे अप्लाई करने के बाद ही आप इसको अपने हेयर लेंथ में अप्लाई कीजिए। इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप अपने हाथों से 1 से 2 मिनट तक हल्की हल्की हाथों से मसाज कीजिए। ज़्यादा तेज मसाज नहीं करनी, एकदम लाइट हाथों से मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि जो रेमेडी हमने अप्लाई की है वो इजिली हमारे बालों में, हमारे रूट्स में, हमारे हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट हो जाएगी और अपना काम दिखा पाएगी। ऐसा कर लिया, उसके बाद आपको इसको रखना है अपने बालों में 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेमेडी है, नेचुरल है, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस रेमेडी को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 वीक के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको फ्रिज में रखना है, आपको रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है, इसको ठंडी जगह पर रखना है, और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको वीक में जब भी हेयर वॉश करें उससे पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वीक में आप इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। और यूज करने के बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। और जो हमने ये रेमेडी प्रिपेयर की है, आप इसको इनटेक भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको अपनी डेली डाइट में ऐड भी कर सकते हैं, आप इस जूस को पी भी सकते हैं। इसमें हमने यूज किया है आंवला, करी पत्ता और जिंजर। तो तीनों इंग्रेडिएंट हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर आप इस रेमेडी को एक्सटर्नली यूज करने के साथ साथ इंटरनली भी इनटेक करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, मतलब मजा आने वाला है। क्योंकि आंवले में होते हैं विटामिन सी, तो जो हमारे हेल्थ में, हमारी बॉडी में जो विटामिन सी की कमी होती है उसको ये पूरा कर देगी। बहुत ही कमाल की रेमेडी, आप जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर है वो होना रुक जाए और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट हो आपके अच्छे से, तो आपको इस रेमेडी को ऐसा नहीं 1 से 2 बार यूज करके छोड़ देना है, आपको इसको लंबे टाइम तक यूज करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, आपको जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके वह इस प्यारे से यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट बन जाना है। कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।